कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ते जा रहा है। हर राज्य इसकी चपेट में आ रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मौत के बाद देश में मौतों का आंकड़ा 14 हो गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ऐसे कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 66 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा संकट अभी तक महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अभी तक महाराष्ट्र में कुल 125 केस हो चुके हैं। इसके बाद केरल का नंबर है, जहां 101 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 9, बिहार में 6, छत्तीसगढ़ में 3, दिल्ली में 30, गुजरात में 36, हरियाणा में 14, हिमाचल प्रदेश में 3, कर्नाटक में 41, मध्य प्रदेश में 20, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 2, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 29, राजस्थान में 36, तमिलनाडु में 16 और तेलंगाना में 27 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ इंदौर में मरीजों की तादाद में वृद्धि हुई है। इंदौर में कोरोना के 10 मामले आ चुके हैं और उज्जैन में 5 हो गए हैं मामले। उज्जैन की जिस महिला की इंदौर के अस्पताल में मौत हुई थी, उसके परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उज्जैन की मृत महिला के बारे में पता चला है कि वे कुछ दिन पहले बेगम बाग में CAA के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के धरने में शामिल थी। उनके बेटे ने इस बात की पुष्टि की। अब हर तरफ सिर्फ इसी बात का जोर दिया जा रहा है कि घर में रहे, घर में रहे और घर में रहे। आज 21 दिन का जो लॉकडाउन लगा है, उसका दूसरा दिन है और लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहे। अगर आपकी पुरानी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है जो विदेशों से संबंधित है, तो इसके बारे में सरकार को ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि आपको कोई भी लक्षण दिख रहा है, अगर आपको तेज़ बुखार है, सर्दी खांसी है, सिर दर्द है, तेज है इन सब चीज़ों के बारे में, तो अपने डॉक्टरों से ज़रूर संपर्क करें। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।